हेलो फ्रेंड, प्रियंका कुक फ्राइडे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे रस से भरी बूंदी। हाँ जी, रस से भरी बूंदी, और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही सिंपल आसान तरीका है इसका बनाने के लिए। जैसे बिल्कुल आप मार्केट की बूंदी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी बूंदी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं हम और देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल और छन्नी। तो बेसन को जो है ना हम छान लेंगे, तो इससे बेसन क्या है बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप, मतलब 250 ग्राम इतना बेसन मैंने ले लिया है चने का। और इसको हम क्या करेंगे, छन्नी से छान लेंगे। तो इसमें जो वो रहता है गुठलियों जैसे रहती है ना, वो सब बिल्कुल अच्छे से छन जाता है, तो बेसन हमारा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ हमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो बैटर है बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2-2 चम्मच करके पानी ले रही हूँ, और इसको 5 मिनट तक हम बिल्कुल इसको घुमाते रहेंगे हाथ से, और एक ही राउंड में हमें घुमाना है। अगर आप दोनों साइड से घुमाए ना, तो हमारा जो बूंदी है अच्छे से वो बनेगा नहीं, जालीदार भी नहीं होगा। तो हमें एक ही राउंड में एक ही ओर से घुमाना है। अब पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, चम्मच जो चम्मच हम खाना खाते हैं सिर्फ उसी से ले लेके हमें डालना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है तेल, 2 चम्मच के करीबन तेल मैंने ले लिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा जो है कि हमारी जो बूंदी है बिल्कुल जालीदार बने, तो मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको भी डाला है ताकि बूंदी जो है जालीदार बने। तो देख सकते हैं, अब मैं इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ कि ये पानी से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं पानी से जो है हमारा ऊपर आ चुका है, तो समझिए कि ये अच्छे से हो चुका है। तो एक बार मैं और आपको दिखाती हूँ ऊपर करके। तो थोड़ा सा मैंने पहले बार डाला था तो कोई कोई बैठ जा रहा था नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है। तो ये हमारा जो है अच्छे से फिट गया है और बिल्कुल बूंदी बनाने लायक हो गया है। तो अब चलते हैं इसको हम छान लेते हैं। यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, तेल को गरम कर लिया है, और ऐसी कोनटा तो सबके घर में होता है, और चाहे तो आप ये चीज ना हो तो कद्दूकस जो करते हैं आप उसको भी ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने पौने का लिया है, और बिल्कुल इतना मैंने ऊपर इसको कर दिया है, और ये बूंद जो है आराम से बूंदी अपने आप गिरती रहेगी, तो बिल्कुल गोल गोल शेप का बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें झाड़ना नहीं है, तो यहाँ पे अपने ही आप ही ये देखिए गिर रहा है। अगर ज्यादा मोटा और ज्यादा पतला नहीं रहेगा हमारा जो बैटर, तो ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से बूंदी निकलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से चला लेंगे ताकि दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा जैसे हो जाए। तो बूंदी बनाना आसान है, कठिन नहीं है, आप घर पे इसको प्रसाद में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छन्नी में ले लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो छन्नी से निकल जाए, और इसी छन्नी से हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में भी रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो ऐसे ही हमें सारी बूंदी को बना लेना है, ऐसे ही प्लेट में लेना है, और बिल्कुल इसको छनोटे को हिलाना नहीं है, अपने आप ही गोल गोल बूंदी गिरती रहेंगी। अगर आप इसको ठोक ठोक के बनाएंगे तो ये क्या होगा कि लंबा जैसे आकार में गिरेगा तो बूंदी देखने में अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोल साइज की बूंदी बनी है, तो इसको भी हमने निकाल लिया है। ऐसे हमने सारी जो बूंदी है बना के तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें से पानी बचा भी लिया था। इसमें हम डालेंगे चीनी, तो चीनी मैंने 1 कप चीनी ले लिया है, 250 ग्राम से 2 चम्मच कमी होगी। तो यहाँ पे हमने ज्यादा इसको तार वाली चाशनी नहीं बनानी है कि तार इसमें आ जाए, बस इतना तक पकाना है जब तक हमारी चीनी गल ना जाए। तो
तो इसको हम चीनी को चलाते रहेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से चीनी हमारी जो है गल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीनी, तो यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल कुरकुरा हो गया है। मैं आपको ऐसे फोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल कुरकुरा बना है। तो मैंने ये, आप ऐसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो चीनी है अच्छे से गल गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि हमें तार वाली नहीं बनानी है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाशनी मैं निकाल लूंगी, और थोड़ा सा मैं बूंदी भी बचा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इतनी बूंदी जो है डाल के इसमें अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो सीरा है अच्छे से इसमें सोख ले बूंदी में। तो इतनी बूंदी मैंने बचा ली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये बूंदी किस लिए बचाई है। मेरे बच्चे बोल रहे थे कि कलरफुल बूंदी बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने उतना जो है बचा लिया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी जो सीरा है वो अच्छे से अभी इसमें बूंदी में सोख लेगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रूट कलर, रेड फ्रूट कलर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसमें से ये वाला डाल दिया है कि थोड़ा सा रेड में बन जाए, और चम्मच से हम चला देंगे और इसी में छोड़ देंगे, ताकि ये भी अच्छे से फूल जाए। इसमें जो सीरा है अच्छे से इसमें चला जाए। और मैंने बनाया है ग्रीन कलर का, तो मैंने ग्रीन कलर का रेड फ्रूट लिया है। आप अगर हो तो ले सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बचाई थी बूंदी उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है अच्छे से, और इसको भी हम सेम वैसे ही चला देंगे, और चला के ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से जो है रस इसमें घुल जाए, और हमारी जो है बूंदी बिल्कुल रस भरी बूंदी बन जाए, और देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगी। तो आप बता नहीं सकेंगे कि ये मार्केट की बनी है कि घर की बनी है। तो यहाँ पे मैंने खरबूजे का बीज ले लिया है, तो अगर आपके हो पास हो तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सीरा है वो अच्छे से सोख लिया है बूंदी में। तो अब जो हमने कलर वाला बूंदी बनाया था, अब उसको हम मिक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा मोड़ा जो अगर रह जाए नीचे ऊपर में, तो अच्छे से वो मिक्स करके हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो कलर वाली बनाई थी ना, अब उसको हम डाल देंगे। तो उसका जो सीड़ा थोड़ा मोड़ा अगर बच जाए तो आप उसको न डालिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चम्मच से अलग अलग करके डाल दिया है, और अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ गया। तो आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और बिल्कुल रस से भरी बनी है, आप देख सकते हैं, देखने में ही लग रहा है। तो आप घर पे इसको फटाफट बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। प्रसाद के रूप में आप अपने मंदिर में इसको चढ़ा भी सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। धन्यवाद, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।